भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय कथा के चौथे दिन जोधपुर से पधारे कथा व्यास को वस्त्र श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने व्यासपीठ से लोक कथा प्रसंग के अंतर्गत कहा कि जिसे स्वामी मानते हैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि दशरथ जी का दाम्पत्य जीवन आदर्श दाम्पत्य जीवन था। कैकेयी से अधिक लगाव के कारण उनकी अन्य रानियों में परस्पर वैमनस्य नहीं था। केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से जो संतति उत्पन्न होती है वह मूर्ति है और पवित्र जीवनचर्या वाले दंपति से उत्पन्न संतति केवल मूर्ति नहीं बल्कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना तो उन्हें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म के बाद दशरथ को प्राप्त होने वाले आनंद हम सबको पुत्र प्राप्त होने वाले आनंद जैसा नहीं है। वह आनंद अलग है, वह ब्रह्मानंद है। दशरथ ने जो ब्रह्मानंद पूर्व जन्मों में मनु और कश्यप के रूप में प्राप्त कर लिया था वही आनंद पुनः राम के जन्म पर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर कथा व्यास श्री राधा कृष्ण जी महाराज ने कहा, इन्हीं के माध्यम से हम जैसे जो उनको देखने से वंचित रहे, उनकी छत्र छाया से वंचित रहे, उनके स्वरूप की कुछ भावनाएं ले पा रहे। नहीं तो आप फोटो बता बता के कितनों को एहसास कराते हैं भाई जी क्या थे। फोटो तो उनसे भी बढ़िया बढ़िया कईयों की दिखती है, मुझसे नहीं कुछ होता था, फोटो से बात नहीं बनती थी। एक रचनाकार की रचना में उसका मन कैसा है वो समझ में आता है। एक रचनाकार की रचना में उसका मन कैसा समझ में आता है। ऐसे ही तुलसीदास जी की यहाँ जो रामचरितमानस की रचना है, सिर्फ राम जी का मन कैसा है, राम जी का स्वभाव कैसा है ये नहीं समझ में आता, तुलसीदास जी का भी भाव कैसा है वो समझ में आता है। जिसके जीवन में भ्रम की उपस्थिति है उसके जीवन में कभी प्रेम नहीं आता। जिसके जीवन में भ्रम है वो कभी प्रेम करता ही नहीं। लेकिन जिसके जीवन में ब्रह्म है वो प्रेम करते हैं, उनके जीवन में प्रेम प्रकट होता है। और मोर के संग संग, मोर के संग संग श्री ठाकुर जी ने नृत्य किया। अब मोर के संग संग नृत्य किया ठाकुर जी ने, तो अब मोर तो खुद ठाकुर जी का नृत्य देख के मुग्ध हो गए, अपना नृत्य भूल ही गया और ठाकुर जी के नृत्य को देख करके उसको प्रसन्नता हुई और उस प्रसन्नता में वो नाच रहा। दोनों के आपस के खेल में मैं कहीं काम आ रहा, इन दोनों के आपस की प्रेम क्रीड़ा में मैं कहीं वो बन रहा हूं। उस बात का एहलाद मोर को हुआ, मोर खूब उस प्रहलाद में नाच रहा। कॉम्पिटिशन क्या करेगा, सब ही नचावत राम जो सबको नचाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ नटराज के आगे मैं क्या अपना खेल दिखाऊं। तो मुग्ध होकर बस पंख फैला करके और ठाकुर जी के जन्म पर बाजे वाले पहुंचे सबसे पहले, तो जो बड़े बड़े संगीतज्ञ थे वो सब दुखी होने लगे कि काश आज हम भी पद्मश्री पद्म विभूषण संगीतज्ञ न हो करके और साधारण ढोल बाजे वाले होते तो आज हम भी सरकार की बधाई में सबसे पहले पहुंचे। कई बार छोटा होना भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। छोटे हैं सब जगह चूक जाते हैं, छोटे हैं सब जगह चूक जाते हैं, लेकिन कई बार छोटा होना बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि।